विशेषता मस्के आई के संयोजक में पूजनीय डॉक्टर भिक्खु इंदोंस महाथेरो द्वारा जो यहाँ वहाँ धम्म का कार्यक्रम हुआ उसके समापन के रूप में आज का संगदान तथा धम्म देशना कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और यहाँ समता नगर के बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ये संगदान कार्यक्रम में उपस्थित है। बेबीता सपकाल शोभा सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ विशेषतः ये समता नगर में जो वर्षावास तीन महीना ये विविध धम्म कार्यक्रम हुआ विशेषतः मस्के आई के संयोजक में पूजनीय डॉक्टर भिक्खु इंदोंस महाथेरो द्वारा जो यहाँ वहाँ धम्म का कार्यक्रम हुआ उसके समापन के रूप में आज का संगदान तथा धम्म देशना कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और यहाँ समता नगर के बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ये संगदान कार्यक्रम में उपस्थित है। बेबीताई सपकाल शोभा विमल वंदना वर्षा मंदा आश्विनी सुमन बाई सुभद्रा बाई धीवरा सुरवसे भगीरथी कांताबाई संपूर्ण उपासक उपासिकाएं आज के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहभागी है। सर्वप्रथम पूजनीय भिक्खु संघ जो जो ये संगदान देने वाले हैं जो जो संगदान में सहभागी है आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो शांति हो मंगल हो कल्याण हो। जीवन में इस तरह का महान पुण्य कार्य निरंतर करते करते आगे बढ़ सके ऐसी कामना करते हैं। और जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद धम्म का आशीर्वाद संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे ऐसी कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। आज जो वर्षावास समापन समारोह कार्यक्रम में पूजनीय भिक्खु संघ दिशा विदिशाओं से यहाँ उपस्थित है। जैसे यहाँ ये थाईलैंड के पंत जी है, थाईलैंड के जो राजकीय सम्मान है फ्राको ऐसे पदवी, अभी हमारे देश में ऐसा पदवी नहीं है, वहाँ फ्राको पदवी मिलने के बाद वहाँ के 5,000 वहाँ का बाट मतलब हमारा 10-10,000 महीने में धम्म प्रचार के लिए आजीवन देते हैं। हाँ ऐसे सम्मान से प्राप्त पूजनीय ये थाई भंते जी है। हाँ उनका नाम है लंबा है, नाम लेना भी आसान नहीं है। हाँ तो भंते जी यहाँ उपस्थित है और साथ ही साथ यहाँ पूजनीय डॉक्टर भिक्खु हर्षबोधि महाथेरु भंते जी है। आप सब लोग जानते ही है भंते जी को। फिर उसके बाद पूजनीय भिक्खु अनुरुद्ध थेरो भंते जी है, वो भंते जी हाँ कार्यक्रम में हमेशा रहते हैं आप लोग जानते ही है। फिर यहाँ है पूजनीय भिक्खु संगपाल थेरो भंते जी, ये रामनगर के धम्मसागर बुद्ध विहार में रहते हैं। आज वहीं बुद्ध विहार में संगदान कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो यहाँ ये महाथेरो थेरो भंते जी पार भंते जी हो गया और दो श्रामनेर भी है, एक है आरोग्यन और एक है सुचितो। हाँ और उतना ही नहीं, हाँ एक आर्या जी भी है संबोधि आर्या जी, जो आप लोग जानते तो होंगे ना। हाँ अपने ही परिसर में समता नगर के बुद्ध विहार में रहते हैं वो संबोधि आर्या जी भी है। तो
आज विशेष संघदान कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा ये आशीर्वाद देंगे, थोड़ा सा परिधान करेंगे। सभी जन श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए तीन बार साधु साधु बोलिए। ปุณเรติ ติ ปะ
अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना कर रहे थे।
अभी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम आज के विशेष संगदान तथा धम्मदेशना कार्यक्रम जो समता नगर परिसर में घर घर में धम्म कार्यक्रम हुआ, इसके वर्षावास समापन समारोह के रूप में आज का ये विशेष संगदान धम्मदान कार्यक्रम है। तो सर्वप्रथम ये मस्क्याई और मस्क्याई के साथ 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 देने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, हाँ या बेबीताई जो जो है हाथ उठाइए, बेबीताई उपासिका, हाँ शोभा उपासिका, विमल उपासिका, हाँ वंदना उपासिका, वर्षा उपासिका, मंदा उपासिका, अश्विनी उपासिका, सुमन भाई उपासिका, सुभद्रा भाई उपासिका, धीवर उपासिका, सुरवसे उपासिका, भागीरथी उपासिका, कांता भाई उपासिका और सभी उपस्थित उपासिका, हाथ उठाइए, हाँ सभी उपासक उपासिका, हाँ तो सभी उपासक उपासिका के सहभागिता में आज का ये संगदान कार्यक्रम है। आइए मस्काई और सबको लेके एक एक फूल चढ़ाइए भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को माला लगाइए और एक एक मेनबत्ती आगे आके जलाइए। आइए मस्काई और सभी आइए वो फूल लीजिए भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध को बैठ के, हाँ पीछे शूटिंग चालू है, गुड़ियावर बसाई अने भगवान बुद्ध को पूजा करना है और बाबा साहब को एक एक फूल डालते जाना है और एक एक मेनबत्ती लगाना है। आइए बाकी लोग भी आइए, एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आइए दो तीन जन एक ही बात एक ही साथ आइए, एक एक लगाइए, हाँ अपना अपना होने के बाद दूसरे को मौका दीजिए। साधु 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 बैठो 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 अभी थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए। साधु 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 बसन बसन करा जानना जमते। साधु 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 लाइट बंद मत कीजिए, हाँ थोड़ा उजाला रहने दो, चलाया साधु 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 पंडे का स्वागत वाला भी लीजिए, विकुसन का स्वागत करने वाला भी लीजिए, आइए हाथ लगाने के लिए दो चार उपासिका आइए, बैठे 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 बैठे, हाँ ऐसा पहले इधर
बोलिए साधु 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 सुखी हो मंगल हो कल्याण। और वैसे ही उस तरफ जाइए, इस तरफ से भी विकसन का स्वागत कीजिए। साधु 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 साधु। अभी अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। साधु साधु जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि लोकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन गतं सर्वं अपराधं खमता नेभन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकासं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं धीत्वा नेभन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेदमनि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेदमनि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मित्रेषु
मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि मज्जपमादत्थाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि ते सरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके हमने पंचशील प्रार्थना किया। जीवन में हमेशा ये पांच शील पालन करेंगे ऐसा संकल्प किया। अच्छे अवस्था हो या बुरे अवस्था हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ये पांच शील हमेशा पालन करना चाहिए। कोई हो या ना हो, सबके सामने हो या अकेले में हो, ये पांच शील हमेशा पालन करना जरूरी है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। तो इसी का संकल्प पंचशील प्रार्थना हमने किया। अभी आज विशेषतः समता नगर परिसर में यह वर्षावास काल 3 महीना तक अनेक उपासक उपासिकाओं के घर में वर्षावास धम्म कार्यक्रम हमने संपन्न किया। न केवल वर्षावास कार्यक्रम संपन्न किया, अपने बुद्ध टीचिंग चैनल में वो अच्छा खासा उसमें भी आया है। तो उसी के वर्षावास समापन कार्यक्रम अंतर्गत आज हम ये संगदान धम्मदेशना कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। तो संगदान से पहले हम धम्मदेशना कार्यक्रम करेंगे। पूजनीय भिक्खु अनुरुद्ध थेरो, पूजनीय डॉक्टर भिक्खु हर्षबोधि महाथेरो थोड़ा थोड़ा धम्मदेशना देंगे और धम्मदेशना के अंत में हम संगदान कार्यक्रम करेंगे। तो सर्वप्रथम पूजनीय भिक्खु अनुरुद्ध थेरो धम्मदेशना देंगे। सभी जन श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। ओतस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमोतस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमोतस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र भिक्खु संघ त्यामधील डॉक्टर भदंत इंद्रमंत्री महास्तवी यानंतर या ठिकाणी माझ्या बाजूला बसलेले महास्तवी आणि संपूर्ण भिक्खुला त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका आणि बालिका, आपण या ठिकाणी या संघदानामध्ये अनेक प्रकारच्या उपासकांना निमंत्रित करू, त्या निमंत्रणानुसार आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात, त्याबद्दल पुन्हा आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। आपण आलात, या कार्यक्रमाला उपस्थित झालात, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपलं अभिनंदन करून आपण या कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत। तत्पूर्वी आपण प्रवचन ऐकण्याच्या पूर्वी आपण थोडस 3 वेळा साधुकार द्या। जमलं नाही काम है ना, जरा मोठ्यान म्हणाय पाहिजे, आपण बौद्ध आहोत ना। आपण पाहतो अशा प्रकारच की भगवान बुद्धाने अनेक प्रकारचे उदाहरण कथा आणि कहाण्याच्या द्वारे धर्म कशा प्रकारे पालन केला पाहिजे त्याचे फळ आपल्याला काय मिळतात
आणि एवढंच नाही तर धर्म पालन केल्याच्या नंतर आपल्याला दृश्य अदृश्य प्राणी कसे मदत करतात आणि ते आपल्या संकटातून बाहेर काढून आपल्याला योग्य ठिकाणी कसे पोहोचवतात हे अनेक कथा कहाण्याच्याद्वारे भगवंताने क्लिअर केलेलं आहे. म्हणून त्याचप्रमाणे धर्म तर हे जीवन जगण्याची कला आहे. ज्याला जीवन जगण्याची कला येते त्याला मरण्याची कला येते. ज्याला जीवन जगण्याचीच कला नाही आली त्याला मरण्याची कला कधीच नाही येत. म्हणून आपण जीवन जगण्याची कला ही शिकलं पाहिजे आणि म्हणून बुद्धाने तेच आपलं आयुष्यभर जीवन जगण्याची कला आपल्याला शिकवली. परंतु कोणाला कळतं कोणाला नाही कळत, कोणी करतं काम कोणी नाही करत, कोणी झोपतो कोणी आळस करतो, अशा प्रकारचे आपले दिवसामागून दिवस दिवसामागून दिवस चाललेले आहेत. आणि शेवटी माता राहून शेवटी आपल्याला एकच काम आहे की आपण कोण्या चांगल्या उच्च गाडीमध्ये फिरा हवाई जहाजमध्ये फिरा, परंतु शेवटी मात्र जाताना तेलडीवरच जावं लागतं. म्हणा साधू साधू, शेवटी आपल्याला थेरडीवरच जावं लागतं. आणि म्हणून बुद्धाने आपल्याला सगळं राजपाट सोडून धर्माच्या प्रमाणे कसं आपल्याला आचरण करायचं ते या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. म्हणून आपण पाहतो की अशा प्रकारचे धर्मातील लोक जे धर्माचं आचरण करतात धर्माचं पालन करतात धर्म त्याचं कल्याण करतो. जो धर्माला पालनच करत नाही धर्म त्याचं जराही कल्याण करत नाही. म्हणून भगवान बुद्ध आपल्या प्रवचनामध्ये म्हणत असतात धारण करी स्वधर्म. जो धर्माला धारण करतो धर्म त्याचं कल्याण करतो. जो धर्माला धारणच करत नाही धर्म त्याचं जराही कल्याण करत नाही. आम्ही किती जरी म्हणलो की आम्ही बुद्ध आहेत आम्ही बुद्ध आहेत आणि बुद्धाचं कामच आम्ही करत नाही आमचं कल्याण कसं होईल, है ना? आणि म्हणून अशा प्रकारे आमचं कल्याण होणार नाही. म्हणून आपण या ठिकाणी भगवंतांनी एक कहाणी सांगितली. काय कहाणी सांगितली? की धर्म कशा प्रकारे ते धारण करतात आणि कसे अदृश्य दृश्य अदृश्य प्राणी त्यांची कशी मदत करतात हे मात्र बुद्धाने एक कथाद्वारे आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर काय झालं की एकदा एका गावचा एक उपासक विदेशामध्ये जायला निघाला आणि विदेशामध्ये जायला निघाल्याच्या नंतर त्याच गावातील एक नावी सुद्धा विदेशामध्ये जायला निघाला. दोघेही समुद्राजवळ आले नावेमध्ये बसले आणि नावेमध्ये बसल्याच्या नंतर नाव सुरू झाली. समुद्रातून नाव चालू लागली. नाव चालता चालता चालताना 7 दिवस समुद्रातून सारखी चांगले व्यवस्थित चालू लागली. परंतु 8व्या दिवशी अचानक वादळ आलं आणि वादळ आल्याच्या नंतर ती नाव त्या वादळामध्ये सापडली आणि त्या वादळाच्या हेलकाव्याने ती एका दगडावर आदळली. आदळल्याच्या नंतर त्या नावेचे तुकडे तुकडे झाले. परंतु सुदैवाने मात्र जो सिल्वान उपासक होता आणि तो नावे होता त्याच्या त्या जहाजाची फाळी त्याच्या हातामध्ये आली आणि त्या फाळीच्या सहाऱ्याने तो समुद्र पार करून एक छोटस बेट समुद्रामध्ये होत आणि त्या समुद्राच्या बेटावर ते लागले आणि त्या ठिकाणी बेटावर आल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी खाण्यापिण्याची व्यवस्था नव्हती. त्या ठिकाणी छोटे मोठे पशुपक्षी राहत होते आणि छोटे मोठे पक्षी राहत असल्यामुळे हे दोघे जरी त्या पोहोचले परंतु हा सिल्वान उपासक सकाळी संध्याकाळी उठायचा आणि जे छोटे मोठे कंदमुळे काही फळं असतील ते तोडायचा आणि त्याच्यावर आपले उपजीविकेचा चालवायचा. परंतु आपल्या मात्र उपजीविकेला जराही डाग लागू देत नव्हता एवढी उपजीविका तो क्लिअर करत होता. अशा प्रकारे करता करता तो त्यांच्याबरोबरचा जो नावी होता तो मात्र काय करायचा की छोटे मोठ्या पक्ष्यांना मारायचा आणि मारायचा आणि त्याचं मांस भाजून खाण्याचा. असे बरेच दिवस चाललं आणि बरेच दिवस चालल्याच्या नंतर एक दिवस तो नावी या सिल्वान उपासकाला म्हणतो की तुम्ही सुद्धा मांस खा, काय फरक पडत नाही खा. असं म्हणल्याच्या नंतर तो सिल्वान उपासक त्या नाव्याला म्हणतो की अशा प्रकारे पशु पक्ष्यांना मारू, तुम्ही मात्र अशा प्रकारे पाप करू नका, पाप करू नका. आणि म्हणून जशाप्रमाणे मी उदरनिर्वाह करतो त्याप्रमाणे कंदमुळे आणि फुळे खाऊन आपण सुद्धा या ठिकाणी दिवस काढूया, परंतु आपण मात्र शिलाचं भ्रष्ट करायचं नाही. असं कित्येकदा त्यांनी सांगितलं तरी पण मात्र तो नाही काही ऐकत नव्हता आणि तो छोटे मोठे पक्षी मारायचा आणि तो भाजून खायचा. खाल्ल्याच्या नंतर सिल्वान उपासक सकाळी संध्याकाळी आपले छोटे मोठे कंदमुळे वगैरे झाडं खोदायचा, छोटे मोठे फळं जे मिळेल ते खायचा आणि सकाळी संध्याकाळी ध्यान भावना करायचं म्हणजे ध्यान साधना करायचा.
आणि ध्यान साधना करून 5-10 मिनिटं मंगलमैत्री करायचा आणि मंगलमैत्री केल्याच्या नंतर जे काही पुण्य त्याने अर्जित केलेलं आहे ते पुण्य सगळं वितरण करून टाकायचं. म्हणून आपल्या बौद्धांच्यासाठी सर्वांना सकाळी मंगलमैत्री आली पाहिजे आणि जे काही आपण पुण्य करतो ते सर्वांना वितरण करता आलं पाहिजे. आणि म्हणतो अशा प्रकारे सकाळी संध्याकाळी आपलं पुण्य वितरण करत असे आणि वितरण केल्याच्या नंतर पुन्हा आपल्या कामाला तो लागत असे. असं करता करता बरेच दिवस गेले, परंतु मात्र त्या बेटावर एक नागराजा राहत होता. नागराजाने या शिल्वानुपासकाला पाहिल्याच्या नंतर तो नाग अतिशय प्रभावी झाला आणि प्रभावी झाल्याच्या नंतर तो शिल्वानुपासकाजवळ आला आणि आल्याच्या नंतर शिल्वानुपासकाला म्हणतो, हे शिल्वानुपासका, तुला ज्या ठिकाणी स्वस्य ठिकाणी तुला जायचं असेल ते मी माझ्या पाठीची ओढी बनवतो, तू माझ्या पाठीवर बस, म्हणजे मी तुला सुखरूपपणे ज्या ठिकाणी तुला जायचंय मी सुखरूपपणे तुला पोहोचवतो. याला म्हणतात धर्म धारण करीसो धर्म, जो धर्माला पालन करतो धर्म त्याचं कल्याण करतो. तर अशा प्रकारचा हा जो नागराजा होता हा सुद्धा मात्र त्या ठिकाणी त्या शिल्वान उपासकाजवळ आला आणि म्हणाला की आपल्याला जिथं कुठं सुरक्षित जायचंय तिथं मी आपल्याला पोहोचवतो. असं म्हणल्याच्या नंतर नागराजाचे शिल्वान उपासकाने आभार मानले. आभार मानल्याच्या नंतर ते ठीक आहे म्हणले बसा. बसल्याच्या नंतर त्या शिल्वान उपासकाला म्हटलं की माझा सुद्धा मित्र या ठिकाणी आहे त्यालाही येऊ द्या. असं म्हणल्याच्या नंतर नागराजा म्हणतो, नाही नाही, तू पापी आहे, हत्यारा आहे, त्याने अनेक प्रकारच्या पशु पक्ष्यांना मारून पापी आहे तो, म्हणून त्याला इथंच सोडू द्या, मी त्याला काही घेत नाही. परंतु शिल्वान उपासकाने त्यांना विनंती केली आणि विनंती केल्याच्या नंतर त्यांना म्हटले की मी जे काही पुण्य अर्जित केलेलं आहे आजपर्यंत जे मी पुण्य केलेलं आहे अर्ध पुण्य मी त्याला देतो आणि अर्ध पुण्य दिल्याच्या नंतर तुम्ही मात्र त्याला आपल्या बरोबर माझ्याबरोबर घेऊन चाला, कारण तो माझ्या बरोबरच आहे. जरी त्याने पाप केलं असलं परंतु आम्ही मात्र बरोबर आलो होतो आणि आता आम्हाला बरोबरच जायला पाहिजे, म्हणून मी अर्ध पुण्य त्याला देतो. असं म्हणल्याच्या नंतर नागराजांनी त्याची विनंती मान्य केली आणि मान्य केल्याच्या नंतर नागराजांनी आपल्या पाठीवर दोघांना बसवलं आणि समुद्रातून नागराजा चालू लागला. चालता 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 त्यांच्या पानोथ्यावर जाऊन तो पोहोचला आणि पोहोचल्याच्या नंतर त्यांनी नागराजाला विनंती केली की आमचं हेच घर आहे, हेच पानोथा आहे. नागराजाने त्यांना सुखरूपपणे त्यांना उतरवलं. तेव्हा शिल्वानुपासकाने नागराजाचे आभार मानले आणि आभार मानल्याच्या नंतर नागराजा ताबडतोब निघून गेला. तेव्हा मात्र त्या नाव्याला हे झालं की जर याने जर अशा प्रकारे माझ्यासारखे जर पशु पक्षी मारून खाल्ले असते आज आम्ही दोघं सोडून मेले असते, परंतु याने मात्र पुण्य कमवलं आणि म्हणून त्याच्या पुण्याच्या आधारे त्याने मला जर पुण्य दिलं नसतं तर मी तिथंच कुजून मेला असतो, सोडून मेला असतो. परंतु खरोखर त्या पुण्याचं आणि धर्माचं किती बल आहे, म्हणून जो धर्म धारण करतो धर्म त्याचं कल्याण करतो, जो धर्माला धारणच करत नाही धर्म त्याचं जराही कल्याण करत नाही. म्हणून अशा प्रकारे आपण सील का होईना, कोण्या अडचणीत का होईना, परंतु आपण सील काटेकोरपणे पालन केलं पाहिजे. सील हा धर्माचा पाया आहे, जोपर्यंत या धर्माचा आपण पाया पक्का करणार नाही तोपर्यंत धर्माची बिल्डिंग ही मात्र पक्की राहणार नाही. म्हणून अशा प्रकारे आपण सील पालन केलं पाहिजे, धर्माचा अभ्यास केला पाहिजे. असे अनेक प्रकारचे संकट येतात की तिथं आपल्याला सील पालन करणं कठीण होतं, पण ज्या शिल्वानुपासकाने त्या बेटावर कोणत्याही प्रकारची खाण्यापिण्याची सुविधा नसताना त्याने त्या ठिकाणी जे सील पालन केलं आणि त्याच्यावर तो नागराजा प्रभावित होऊन त्याला आपल्या गावी पोहोचवलं. एवढंच नाही तर तिथं पोहोचल्याच्या नंतर जेव्हा नाव्याला समजलं की सील पालन किती महत्वाचं आहे, पुण्य करणं किती महत्वाचं आहे, तेव्हा तो सुद्धा अशा प्रकारे प्रभावित झाला आणि तो सुद्धा आपलं पुण्य करून अशा प्रकारे धर्माच्या मार्गावर लागला. आणि म्हणून भगवान नेहमी म्हणत असतात की धारण करी स्वधर्म, जो धर्माला धारण करतो धर्म त्याचं कल्याण करतो. आणि म्हणून अशा प्रकारे आपण केवळ धर्म धर्म तो सब कहे धर्म न समजे कोई, शब्द विचारा क्या करे अर्थ न समजे कोई, लक्षात आलं. आणि म्हणून अशा प्रकारे थोडक्यातच हे प्रवचन मी या ठिकाणी देतो, आपण ऐकून घेतलं म्हणून मी या ठिकाणी थांबतो. आपण ऐकून घेतलं त्यामुळे जोऱ्याने आता साधू म्हणायचं, म्हणा साधू साधू, सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांना ईश्वरन सुख आणि बलाची प्राप्ती हो, खूप मंगल हो, खूप कल्याण हो, साधू साधू. आपल्याला
उपकृत हर्षबोधी बनते जे आपल्याला धर्मदेशना देऊन उपकार करतील असे मी माझ्या तर्फे आणि आपल्या सर्वांच्या तर्फे मी बंदेजीला अशी विनंती करतो की त्याने आम्हाला धर्मदेशना देऊन उपकृत करावं असे मी बंदेजीला विनंती करतो. करुणार्धय शीतलं पय्यापजोत विहत महतम सन रामर लोक गुरु वंदे सुगत गति विमुत्तम. ज्यांचे हृदय अनंत दया अनंत क्षमा अनंत करुणेने भरलेले आहे, ज्यांनी इहलोके राग द्वेष मोह अज्ञान अंधकाराचा आपल्या प्रज्ञेने नाश केला आहे, असे देवता आणि मनुष्याचे गुरु प्रज्ञेचे उद्गाता विश्वशांतीदूत महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध त्यांचा पवित्र पावन हा सद्धर्म आणि या सद्धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करणारा पवित्र भिक्खू संघ त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे उद्धारक विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महान राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक जगातील पवित्र शाह त्रिरत्नाला मी त्रिवार वंदन करतो. आज या ठिकाणी मस्के आईच्या निवासामध्ये समतानगरमध्ये बौद्ध उपासिका आणि उपासिकाने जो वर्षावास कालावधीच्या 3 महिन्यात जे काही सत्कर्म केलेले कुशल कर्म केलेले पुण्य संचय केलेलं आहे आज त्याचा समारोप आहे आणि भिक्खू संघाला संघदान सुद्धा. तर बघा, एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, आपण बुद्धाचा धम्म म्हटला की त्यात 2 गोष्टी आवर्जून समोर येतात, एक म्हणजे त्याग आणि दुसरी गोष्ट दान, तिसरं सील. तर त्याग जेव्हा त्याग करायचा तेव्हा त्याग करावा लागतो आणि प्रत्येक क्षणी सील पालन करावं लागते आणि जेव्हा आपल्या ऐपतीनुसार आपल्याला दान द्यावं लागते. जर आपल्याकडे काहीच नाही, काही ना काहीतरी दिलं पाहिजे. भगवान बुद्ध सांगतात की एक व्यक्ती त्यांच्या समोर होता की त्याच्याकडे देण्यासारखं काहीच नव्हतं, 1 रुपया पण त्याच्याकडे शिल्लक नव्हता, पण तो रस्त्यावर उभा राहिला तर फक्त अंगावरचा एक जे काही कपडा असेल तेवढंच शिल्लक. मग त्याला रस्त्याने मंदाराव पुष्प कितीतरी वर्षानंतर ते या पृथ्वीवर उमलत असते, ते झाडही नाही आणि त्याचं बीजही नाही, पण ते जमिनीमधून बाहेर येत असते ते फुल मंदाराव पुष्प आणि त्याचा इतका सुगंध की दुसरीकडे तसं फुलच नसते. मग तो रस्त्यावर उभा राहिला ते फुल घेऊन हाती. मग तिथून एक व्यक्ती चालला, मग तो म्हटला तुला हे फुल विकायचं आहे का? तो म्हटला हो विकायचं आहे. पण तो व्यक्ती म्हणतो जर तू याची किंमत 1 रुपया सांगितली मी तुला 10 रुपये देणार. मग तो म्हणतो मला नाही विकायचं. मग पुन्हा तो निघून जातो मनुष्य, दुसरा येतो. मग तो म्हणतो हे फुल तुला विकायचं आहे का? थांबतो, विचारतो, तो म्हणतो हो विकायचं आहे. मग तो हा 1 रुपया किंमत सांगणार त्या अगोदर तो व्यक्ती म्हणतो तू जर याची किंमत 1 रुपया सांगितली मी तुला 100 रुपये देणार. मग पुन्हा हा म्हणतो मला नाही विकायचं. मग नंतर तिथून चालला प्रधान, राजाचा प्रधान चालला स्वतः रथामध्ये. तर मग रथामध्ये फुल बघायचंय मला. मग तो म्हणतो की कारे मित्र हे फुल तुला विकायचं आहे का? तो म्हटला हो. मग काय किंमत याची? हा 1 रुपया सांगणार तेवढं तो म्हणतो की मी राजाचा प्रधान आहे, मी तुला एका तालुक्याचा भूभाग जेवढा असेल तेवढा देऊन टाकेन, पण ते फुल तू मला दे. तो विचारतो ठीक आहे पण तुम्ही कोण? तर तो म्हणतो मी राजाचा प्रधान आहे. तो विचार करतो जर राजा आला तर किंमत अजून वाढेल. मग तेव्हा तुम्ही तर मला नाही विकायचं. मग तिथून स्वतः राजा चालला, भगवान बुद्ध जिकडे तिकडे दर्शनासाठी चालला. तेव्हा तो म्हणतो की हे फुल तुला विकायचं आहे का? तो म्हणतो हा विकायचं आहे. मग तो म्हणतो 1 रुपया सांगणार तेव्हा राजा म्हणतो तू जर याची किंमत 1 रुपया सांगितली एवढा एवढा विभाग जसं की जिल्हा औरंगाबाद जिल्हा आहे असा विभाग तो तुझ्याच मालकीचा एवढं मी तुला देऊन टाकेन. तो म्हणतो पुन्हा मला नाही विकायचं. पण तुम्ही कुठे चालले? तर ते म्हणते इथून जे जे लोक गेले ते नेमके गेले कुठे? तर ते म्हणतात आम्ही भगवान तथागताचं दर्शन घेण्यासाठी चाललो. तो म्हणतो मी पण तिकडेच येतो. हे सर्व पहिले गेले तो हळूहळू एकदम सावकाशपणे तिथे आला. आल्यानंतर
ते फूल भगवंताला अर्पण करणार तेवढंच भगवंत थांबणार असा. मग ते फूल अर्पण करण्या अगोदर भगवंताने सांगितलं, या फुलाची किंमत माहीत आहे का भिक्षुंनो? हा व्यक्ती जर याच्या मनात इच्छा असेल 1 रुपया किंमत, तर समोर तो व्यक्तीला 10 रुपये देणार होता. आणि जेव्हा दुसरा व्यक्ती म्हणतो, जर तू 1 रुपयाची किंमत सांगणार असेल तर मी तुला 100 रुपये देणार. आणि जेव्हा तिथून प्रधानमंत्री राजाचा प्रधान गेला, तो म्हणतो एका तालुक्याचा जो भूभाग आहे तो संपूर्ण मी तुला देणार त्या फुलाची किंमत जर 1 रुपया सांगत असेल तर. म्हणजे 1 रुपयाच्या कितीतरी पटीन त्याला त्याची किंमत मिळणार आहे. छोटा प्रत्यक्ष राजा आला म्हणे, तेव्हा राजा म्हणतो एका जिल्ह्याचा जो विभाग आहे तेवढं उत्पन्न तुला देणार, ते फूल मला दे. पण याने दिलं नाही, त्याने भिक्खू संघाला आणि बुद्धधम्म संघाला अर्पण करण्यासाठी आणलं. तेव्हा मग राजा म्हणतो किंवा भगवान हे हजर म्हणजे बुद्धधम्म संघाला अर्पण करणारच असेल, आमचा बी हात लागू द्या थोडासा. मग भगवान पण म्हणतात सर्वजण लावा, कारण जो पहिला आहे त्याने हात लावला, दुसरा आहे त्याने लावला, तिसरा राजा आणि हा वैयक्तिक स्वतः पाचवा. म्हणजे बोलल्याप्रमाणे कुशल कर्म संघस सामग्री म्हणजे संघामध्ये एकत्रित येऊन करता येते. तसे सर्वांनी संघटित होऊन ते कुशल कर्म केलं. जो 10 रुपये 1 रुपयाच्या बदल्यात 10 देणार त्याने 10 रुपयाला दिले, नंतर 100 देणार त्यानं ते पण दिले. राजाने तालुक्याचं जे बी उत्पन्न असेल ते प्रधानाने दिलं, राजाने बी जिल्ह्याचे उत्पन्न त्याला दिलं. म्हणजे बघा, ते फुल तर छोटंसं, ते विकत मिळू शकलं नसतं, विकत मिळू शकलं नसतं. जर मिळालं असतं कोणा पण घेतलं असतं, तर ते या पृथ्वीमधून कधीतरी निघत असते. म्हणून कुशल कर्म संघाबद्दल आपल्या मनात श्रद्धा खूप असली पाहिजे. आणि जर श्रद्धाभाव जर तुमच्या मनामध्ये नसेल तर कुशल कर्म आपण करू शकत नाही. म्हणून बुद्ध म्हणतात की नगरामध्ये जेव्हा भिक्खू संघ येत होता, येत असताना एका व्यक्तीने संघाला भोजनदान द्यायचं ठरवलं आणि पूर्ण गावाची हमी त्यानेच घेऊन टाकली एकट्याने. आणि प्रत्येकाला म्हणतो तुमच्या घरी इतके, तुमच्या घरी इतके, असं करत करत 100, 200, 500, 10, 20 अनेकाकडे काहीच नाही. सांग म्हणे तुझ्या घरी बंदीला भोजन देणार की नाही? तो म्हटला हा देणार, पण काहीच नसते घरी. मग तेव्हा तो म्हणतो की 2 बंदे द्या. मग तो व्यक्ती जसं आजच्या काळात कागद आहे, पेन आहे लिहायसाठी, तेव्हा काहीतरी व्यवस्था असेल, काही ना काही असेल खून ओळखण्यासाठी. मग तो म्हणतो ठीक आहे 2. मग घरी तर अन्न नसते, पण 2 भंतेला भोजन दान द्यायचे. मनामध्ये श्रद्धा आहे, विश्वास आहे बुद्ध धम्म संघावर. तर बुद्ध म्हणतात ठीक आहे. मग त्याने तयारी केली. शेजारचा व्यक्ती म्हणतो की तू काही काम जर असेल तर थोडंसं काम करू लाग वेळ जर असेल तर. तो म्हणतो काय? तर म्हणे माझ्या घरी भंतीची येणार आहे, भोजनदान बनवायचे, लाकडं फोडून दे. तो म्हणे लाकडं फोडत असताना प्रत्येक क्षण एकही क्षण असा त्याने वाया नाही घालवला की यांच्या घरी भंतीजी येणार. भिक्षू बुद्धधम्म संघ समोर ठेवून तो काम करत राहिला, इमानदारीने काम केलं. त्या व्यक्तीने मग त्याला सांगितलं अजून थोडा वेळ आहे, फुलं आणून देता का मार्केटमधून? तो बोला हो. थोडेसे पैसे त्याला फुलासाठी वेगळे दिले, पण सांगितलं नाही की फुलासाठी देत आहो, फक्त फुलं आण मला. ते पैसे वेगळे दिले. मग तो गेला. मग त्याला वाटलं जर याने पुन्हा आपल्याला नाही पैसे दिले तर मग जेवण कसं बनवायचं, त्याला थोडासा विचार पडला. मग तेव्हा तो फुलं आणून देतो. मग तो म्हणतो तुझ्यासाठी फुलं नाही आणले का? नाही, असं कर, यातलेच घेऊन जा. आणि जे लाकडं फोडण्याची मजुरी दिली, आणि त्याची पत्नी घरी असते, तिलाही माहिती आहे घरी काहीच नाही, पण 2 भंत्याचं भोजन बनवायचं आहे. ती शेजाऱ्या व्यक्तीला तांदूळ, गहू, डाळ निवडून देते आणि प्रत्येक कण बाजूला करताना म्हणते यांच्या घरी भंतीची येणार आहेत उद्या भोजनदानासाठी, मी हे कुशल कर्म करत आहे, शुद्ध मनाने हे काम करत आहे. ती बाई पण तिला 2 भंतीला लागेल एवढी डाळ, गहू आणि म्हणजे जे लागते ते थोडं थोडं देऊन टाकते. मग हे सुंदर भोजन बनवतात पती पत्नी, असं सुंदर पाट आथरतात, त्या पाटाच्या बाजूला फुलं लावतात, बकेट भरून पाणी ठेवतात. पर जसा भिक्खू संघ येत आहे, प्रत्येक जण आपापले भंते घेऊन चालला, याला भंतेच नाही. मग हा थोडासा याचा जीव थोडासा थोडा थोडा होत होता. आपले भंते कधी, आपले कधी येणार? तर त्या व्यक्तीला म्हणतो आमचे बंदे कुठे गेले? आमचे बंदे समजा कोणाच्या घरी 50 गेले, तो म्हणतो 48 नाही 2 मला द्या. नाही 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 आमचे आम्हालाच पाहिजे. आणि किंवा मग ज्यांच्या घरी 10 चालवले त्यांना म्हणतो 8 नाही 2 मला द्या, ते म्हणतात नाही. मग हा त्या व्यक्तीला म्हणतो की तू मला 2 बंदे द्यायचं कबूल केलं, माझे बंदे कुठे गेले? तो म्हणते खरं सांग का, तुझ्या ऐपत नव्हती भिक्खू संघाला भोजनदान द्यायची,
तुझ्या घरी अन्ना तर एकही कण नव्हता. हे खरं आहे ना म्हणे? तो म्हटला हो. पण आज आहे ना, आज मी व्यवस्था केली. तो म्हणते असं कर आता, माझं नाव बदनाम होईल तुझं मी, की तू दिलं नाही म्हणून तू भिकारदा आहे, आणि मी नाव तुझं नोंद नाही केलं मी खोटारत आहे असं होईल. पण तुला एक आयडिया देतो की कश्यप दजबल बुद्ध हे कुटीमध्ये आहेत त्यांच्या, आणि कुटीतून ते बाहेर येण्या अगोदरचे राजकुमार श्रेष्ठी गर्व श्रीमंत लोकांची लाईन लागलेली भोजनदान देण्यासाठी. मग तेव्हा तू जा त्यांच्या पात्राला फक्त हात लाव, तरी तुझं पुण्यकर्म होते. तो म्हणतो ठीक आहे जातो. एक नंबर लो भरात तू. ए बाजूले बाजूले, तुझी लायकी नाही भोजनदान देण्याची, असे बाकीचे म्हणतात. हे नव्हतात, तर तो गरीब असतो ना, तो काहीच बोलत नाही. जसे तो म्हणतो फक्त बुद्धाच्या पात्राला हात लाव द्या, वंदन करू द्या, मी बाजूला निघून जातो. ते म्हटले काय वंदन करायसाठी तो उभा आहे, बाकी तर काय नाही, भोजन तर आपण देणार आहोत. आपण श्रीमंत आहो, गर्व श्रीमंत आहो, श्रेष्ठी आहो, राजकुमार आहो, असे स्वतःच्या मनात ते विचार करतात. तर तेव्हा मात्र जसे बुद्ध कुटीच्या बाहेर पडणार, चिवर पात्र परिधान करून हा अशा हात करतो, आणि ते पात्र तथागत त्यांच्या हातात ठेवतात. तो वंदन करतो, कोणालाच काही बोलत नाही, कन 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 आपल्या घरी निघतो. आणि बुद्ध त्याच्या मागं, आणि तो पुढे हे बाकीचे, अरे आमच्या घरी भोजन द्यायचं, तू चालला कुठे? तो काहीच ऐकत नाही कोणाचं. कन कन घरी येतो, जिथे बकेट भरून ठेवली पाण्याची, पत्नीला आवाज देतो, आणि खरंच तथागत येतात. त्या पाटावर उभे राहतात दोघंही पती पत्नी. भगवंताचे पाय जुनं झाल्यानंतर जिथे भोजनाचं आसन टाकलं तिथे भगवंताला विनंती करतात, सुंदर स्वादिष्ट भोजन देतात जे बनवलं ते. मग ती जी लाईन आहे ते होतात, अरे भल्या माणसा तुझे कुशल कर्म करते पुण्य, आम्हाला हात तर लावू दे, थोडासा स्पर्श तर करू दे. मग ते सर्व होऊन भगवंताला भोजनदान देतात. म्हणून तुम्हाला सांगतो, कुशल कर्म कोणाच्याही घरी असू द्या, फरक काही पडत नाही. त्यात सहभागी अंतर्मनातून व्हायचं, शुद्ध मनाने व्हायचं. ते जेवढं कुशल कर्म त्यांना मिळेल तेवढंच आपल्यालाही मिळते. तर तुम्ही विचार करा, ही जी गोष्ट मी सांगितली ही या तथागत बुद्धाची नाही आहे, त्यांनी सांगितली 20,000 वर्षा अगोदर. कश्यप दजबल बुद्ध सम्यक संबुद्ध होऊन गेले, त्यांच्या जीवनातली ती. आणि त्या व्यक्तीचं नाव आहे अकिंचन. अकिंचन म्हणजे पाण्याचा एकही थेंब भांड्यात शिल्लक नसणे. भांड्यामध्ये पाणी असले की ते आपण जर असं उलटं केलं सर्व पाणी खाली निघून जाते, थांबते का त्यात एक थेंब तरी? मग त्याची गोष्ट ती आहे. म्हणून तुम्ही तुमच्या जीवनात जेवढं कुशल कर्म करसाल, कुशल कर्माचं दुसरं नाव आहे हॅपीनेस, सुख, त्याला सॅटिस्फाय म्हणतो. पलंग किती सुंदर भेटेल, सुंदर झोप भेटणार आहे का आपल्याला? घरामध्ये धन धान्य असेल, पैसा निपुण असेल, आरोग्य मिळेल का? भोजन केल्यानंतर ते नीट पचेल का नाही? तर ते कर्मानुसार ठरत असतात त्या गोष्टी. म्हणून तुम्हाला जर सुखी व्हायचं असेल तर भिक्खू संघाला दान करायचं, आपल्या परीने जेवढं शक्य होईल तेवढं तुम्ही करायचं. 3 महिन्याच्या काळात वर्षावासमध्ये उपस्थित धरायचं, वर्षावासमध्ये जास्तीत जास्त कुशल कर्म करायचं. तसं तर वर्षभर करायचं, तसं तर जन्मभर कुशल कर्म करायचं. असं एकही क्षण वाया जाऊ द्यायचा नाही. आणि आपला जो हेतू आहे तो निब्बान असला पाहिजे. तुम्ही इथं जरी बसले तर तुमच्या मनात विचार चालू असला पाहिजे की मला निब्बानाला जायचं आहे, मला निब्बानाकडे जायचं आहे. निब्बान सोडून जर जीवन जगत असाल त्या जगण्याला काहीही अर्थ नाही, एक गोष्ट लक्षात ठेव. म्हणून बाबासाहेबांनी सुद्धा म्हटलेले तेच, बुद्ध तेच म्हणतात, आरोग्य परमालाभ संतुष्टी परमधनं विश्वास परमायती निब्बान परमसुखं. आजच्या मंगल प्रसंगी एवढा संदेश घेऊन या ठिकाणी थांबतो. आपलं सर्वांचं कल्याण भवतु, सर्वमंगला भवतु, सर्वमंगला भवतु, सर्वमंगला. सभी जन हाथ जोड़िए बोलिए साधु साधु साधु. समता नगर के संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, हमने 3 महीना ये वर्षावास काल में विशेषतः मस्के आई के संग जगतों में जहाँ जहाँ प्रोग्राम करना है करेंगे करके घर घर में, जिसको सुबह समय मिला सुबह भोजन के साथ, जिसको सुबह समय नहीं मिला शाम में, है ना,
इस तरह हमने कार्यक्रम लिया। कहाँ कहाँ किस किस के घर में लिया था, हाथ ले लिया शुरू से। सूरत कर उपासी का, नरोदय उपासी का, दीवर उपासी का, काले भाई उपासी का, वर्षा इंग्ले इंग्ले उपासी का, सुरवासी उपासिका, ऐसे घर घर में बहुत सारे जगह, न केवल समता नगर, समता नगर के बाहर भी हम पहुंचे है ना, N6 N7 और यहाँ वहाँ भी हमने कार्यक्रम किया। तो इतना मेहनत करके कार्यक्रम लिए है कि वर्षावास समापन कार्यक्रम करना चाहिए। और देखो ना, एक जन सामने आए, सबको साथ लिया, इतने अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, माँ ठेरो 2 घंटे है, ठेरो 3 घंटे है, सामने 2 है, आर्या जी 1 है, 8 जन हमें मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, थाईलैंड से भी आज के कार्यक्रम में ये भंते जी है, और भंते जी आज रात को ही जाने वाले हैं। देखो ना, रात को जाने वाले हैं, ये कार्यक्रम में आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, इस तरह का पुण्य कार्य करते जाना है। बोलिए साधो साधो साधो। अभी धम्म देशना आप लोगों ने 3 महीना वर्षावास बहुत सुने। ऐसा नहीं कि जिस घर में कार्यक्रम हुआ वही घर के लोग बैठते हैं, नहीं, आजू बाजू के सारे लोग बुला बुला के धम्म देशना सुनते हैं। तो बहुत सारा धम्म देशना सुन चुके हैं, फिर भी आज दान अनुमोदन का दिन है, महान दान संग दान का दिन है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को धम्म देशना देते हैं। सभी जन बोलिए साधु साधु साधु। पापो, हेलो हेलो, पापो पिपासति भद्रं याव पापं न पचति यदा च पचति पापं अत पापानि पासति भद्रो पिपासति पापं याव भद्रं न पचति यदा च पचति भद्रं अत भद्रो भद्राणि पासति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के विशेष संगदान धम्म देशना कार्यक्रम तथा वर्षावास धम्म कार्यक्रम समापन समारोह में उपस्थित पूजनीय डॉक्टर भिक्खु हर्षबोधि महाथेरो, पूजनीय भिक्खु अनुरुद्ध थेरो, पूजनीय थाई भन्ते फ्राखो भन्ते, पूजनीय भिक्खु संगपाल थेरो, प्रमुख भिक्खु संघ श्रामणेरगण आर्यगण, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम आज के वर्षावास धम्म कार्यक्रम समारोह कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले, दान देने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। इसी तरह का सांघिक कार्यक्रम, संगदान कार्यक्रम करते करते जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणी तथागत बुद्ध कहते हैं, पापोपि पश्यति भद्रं। कोई व्यक्ति पाप करता है, गलत करता है,
जाने अनजाने में हर कोई गलत काम करता है, हर कोई अकुशल करता है, पाप करता है। अगर ऐसा न करता हो तो हम भी दुखा मुक्ति के मार्ग फल में पहुंच चुके होते। श्रोतापति फल या सकदागामी फल या अनागामी फल या अरत मार्ग फल में पहुंच चुके होते। हम इसलिए नहीं पहुंचे कि हम जाने अनजाने में गलत काम करते हैं, अकुशल करते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति गलत करता है, पाप करता है, फिर भी समझता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, ऐसा समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जब वो अपने किए पाप उसका परिणाम आना शुरू हो जाएगा या पाप का दुष्परिणाम भुगतना शुरू हो जाएगा, तब जाके उसको वो पाप का परिचय होगा। वास्तव में हमने क्या गलत किया, क्या पाप किया, तब जाके परिचय होगा। इसलिए पाप करने वाले व्यक्ति तभी तक खुशी रहता है, तभी तक प्रसन्न रहता है, तभी तक मजे लेता है जब उसका दुष्परिणाम नहीं आता। जब उसका दुष्परिणाम आना शुरू हो गया तब क्या, आंखों से आंसू गिरा के अपने छाती पीट पीट के खूब शोक संताप करके बैठेंगे। पर कितना भी शोक संताप करे, एक बार पाप किया तो किया, किया उसको मिटा थोड़ी ना पाएगा, उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। बुद्ध बार बार कहते हैं, कोई व्यक्ति गलत काम करे और बार बार में पछतावा करे और वो पाप से बचना चाहे, तो यकीन मानिए वो पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है, ना जमीन में, ना पानी में, ना आकाश में। पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पाप मत करो, पाप करके उसको अच्छा मत समझो। हाँ, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, पद्रोपि पश्यति पापं। यहाँ ऐसे लोग भी रहता है जो अच्छा करते हैं, जो पुण्य करते हैं, कुशल करते हैं, चाहे वो दान देना हो, चाहे वो शील पालन करना हो, चाहे वो ध्यान साधना करना हो, पुण्य करते धम्म करते, फिर भी चेहरे पे खुशी नहीं आता, चेहरे में अनेक अनेक परेशानी रहता है, इतना सूखा हुआ चेहरा, इतना टेंशन से भरा हुआ, ऐसा भी रहता है ना। हाँ, मस्काई रहता है कि नहीं, ऐसा भी रहता है। मतलब यहाँ पुण्य करके धम्म करके भी उसको अंदर ही अंदर किसी बात पे मतलब परेशानी होता है, किसी बात पे टेंशन होता है और वो सोचता है, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं, कहीं ये पाप तो नहीं, गलत तो नहीं। देखो, अच्छा कर रहे, पुण्य कर रहे, पर उसमें उसको प्रसन्नता नहीं हो रहा है और उसमें डाउट हो रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, पाप तो नहीं कर रहा हूं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, फिर भी वो सोचता है कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, परंतु जिस दिन हमने किया हुआ पुण्य का परिणाम आएगा, उसका हैप्पीनेस सुख शांति आना शुरू हो जाएगा, तब जाके वो पुण्य का परिचय उसको हो जाएगा, तब जाके पता चलेगा कि हमने कितना पुण्य करके बैठा। हाँ, तो ऐसे पुण्य करना चाहिए, ऐसा धम्म करना चाहिए, जीवन के किसी भी क्षण में याद आए तो पछतावा करना न पड़े, अरे बेकार में ऐसा काम किया, देखो वो काम करने से मेरा इतना हानि नुकसान हो गया, ऐसे ऐसे खराब हो गया। ऐसे काम नहीं करना, ऐसे काम करो कभी भी याद आए, अरे वाह उस समय हमने सब मिलके समता नगर के सारे उपासक उपासिका मिलके हमने संगदान किया,
दिशा विदिशाओं से महाथेरो थेरो देश देशांतर से पूजने भिक्षु संघ आए, इतना पुण्य किया, याद भी आए तो प्रसन्नता होना चाहिए। शारीरिक रूप से मानसिक रूप से प्रसन्नता होना चाहिए, ऐसा पुण्य कर्म करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पुण्य करता है फिर भी उसको संदेह होता है कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं, मगर जिस दिन पुण्य का अच्छा परिणाम आएगा तब उसको सही मायने में पता चलेगा कि ये पुण्य है, ये हमने कितना अच्छा कुशल कर्म किया, तब जाके पता रहेगा। उपासक उपासिकाएं कभी कभी हम अच्छा करते हैं परंतु अनेक माहौल से या सबसे ज्यादा अनेक नेगेटिव चिंतना से हमें ऐसा लगता है कि बेकार में मैंने ये किया, क्यों इतना टेंशन लिया, मैं जितना करूं उतना ही करते तो इतना तो टेंशन नहीं होता, मुझे उसका तो सुनना नहीं पड़ता, मुझे उसका तो सुनना नहीं पड़ता, ऐसे भी बार बार मन में आता है, जिसकी वजह से पुण्य करके भी प्रसन्नता नहीं आता। उपासक उपासिकाएं ये बात बहुत अच्छे से समझ के लीजिए, जब हम अच्छा कर्म करेंगे और उसमें लोग टांग अड़ाने के लिए आएंगे या अनेक तरह के बाधा अवरोध डालने के लिए आएंगे, या बुद्ध धम्म में जिसे मार कहते हैं मार आना शुरू होंगे, तो निश्चिंत रहिए हम सही में पुण्य कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पुण्य कार्य में पारमिता में खूब खूब मार आता है, खूब खूब बाधा अवरोध आता है, तो ऐसे बाधाएं आना शुरू हो गया तो समझ लेना मैं अच्छे रास्ते पे जा रहा हूं। और ये भी याद रखना, इस दुनिया में हमेशा निंदित व्यक्ति, हमेशा प्रशंसित व्यक्ति न बुद्ध के समय में थे, न वर्तमान समय में है, न भविष्य में होगा। हमेशा निंदा मात्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहेगा क्या? कभी निंदा प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी कोई न कोई उसका प्रशंसा करेगा ही। प्रशंसा मात्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी हमेशा इस दुनिया में नहीं रहता, हाँ जितना भी प्रशंसा प्राप्त करो कहीं ना कहीं से उसका निंदा करने वाले भी होगा ही। महाकारुणिक तथागत बुद्ध देखो ना, जिन्होंने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता पूर्ण किए, सारा राजश्री सुख वैभव त्याग करके प्रवज्ञा धारण करके सम्यक संबुद्ध बने, उनके पीछे प्रशंसा करने वाले कितने कितने, उनके मार्ग पे चल के दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करने वाले न सैकड़ों न हजारों न लाखों करोड़ों करोड़ लोग, फिर भी बुद्ध का निंदा करने वाला नहीं थे क्या? उसके खुद के भाई देवदत्त, हाँ बहुत सारे तीर्थंकर लोग, बहुत सारे बुद्ध को मारने के लिए, बुद्ध का निंदा करने के लिए, बुद्ध का बदनाम करने के लिए क्या क्या करने वाले कितने हैं कितने हैं। इसलिए यहाँ निंदा भी आएगा तैयार रहो, प्रशंसा भी आएगा। निंदा आया करके एकदम मतलब दुखी होके भी नहीं बैठना, प्रशंसा आया करके आकाश में उड़ के भी नहीं बैठना। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान यहाँ ऐसे व्यक्ति भी देखते हैं जो हमारे उपासक उपासिका होके भी आपका निंदा करते हैं, और ऐसे लोग भी देखते हैं जो आपका निंदा करने वाले व्यक्तियों के बीच में भी आपका प्रशंसा करने वाले निकलते हैं, उस समय क्या करना? भगवान बुद्ध कहते हैं कुछ न करो। कोई प्रशंसा करता है तो उसका प्रशंसा है, कोई निंदा करता है तो उसका निंदा है। हाँ करना है तो इतना ध्यान रखो, कोई प्रशंसा कर रहा है तो आकाश में उड़ना नहीं है, जो प्रशंसा कर रहा है क्या सही में वो गुण हम में है क्या? है क्या? है तो सही है, उसे बचा के रखो, उसे और अभिवृद्धि करो,
और कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है तो एकदम दुखी होके शोक संताप करके मत बैठो। जो व्यक्ति हमारा निंदा कर रहा है, क्या वो निंदा के पात्र हम है क्या? क्या वो दुर्गुण हम में है क्या? देखो, अगर है तो उसे दूर करो, अगर नहीं है तो हम में है ही नहीं, वो अज्ञानी है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, बस हो गया। इसलिए निंदा प्रशंसा में ज्यादा हमें उसके पीछे नहीं पड़ना। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। पुण्य कर रहे हैं तो समझो हम पुण्य कर रहे हैं, तम कर रहे, पाप कर रहे तो भी समझो हम पाप कर रहे। पाप करने वाला व्यक्ति वो समझे, अरे मैं तो हिंसा कर रहा हूँ ये पाप है, मैं तो चोरी कर रहा हूँ ये पाप है, मैं तो काम मिथ्याचार कर रहा हूँ ये पाप है, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, असत्य बोल रहा हूँ ये पाप है, मैं तो दारू नशा पी रहा हूँ ये पाप है। जिस दिन पता चलेगा ये पाप है, कहीं ना कहीं से पाप से दूर होने के लिए वो प्रयास करेगा ही, क्योंकि हम इंसान है, दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ, पुण्यवान है हम, हमें लज्जा भय है। तथागत बुद्ध कहते हैं, द्वे मे धम्मा लोकं पालयन्ति, पूरे दुनिया को दो गुण धम्म रक्षा करते हैं, कतमे द्वे, वो दो क्या क्या है? हीरिंग च ओतपं च, ये लज्जा और भय पूरे दुनिया को रक्षा करके रखा है। लज्जा बोले तो पाप करने में अंदर से आने वाले शर्म, भय बोले तो पाप करने में अंदर से आने वाले डर। अगर ये लाज और डर हम में नहीं रहा ना, पशु और हम में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, न माता न बहन न है ना, कोई भी कुछ भी नहीं रहेगा पशु जैसा। दुनिया झगड़े कलह का रण क्षेत्र बन जाएगा, इसलिए ये लज्जा भय हम में है, इसलिए हम इंसान है। तो हर किसी में लज्जा भय है, हाँ दारू नशा पीते समय लज्जा भय कम होगा, पर जब नशा छूट जाएगा तब तो है ना। इसलिए अगर समझे वो पाप करके मैं पाप कर रहा हूं, आज नहीं तो कल वो पाप से दूर हो जाएगा, हो ही जाएगा। इसलिए समझना पाप कर रहे हैं तो मैं पाप कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए ये कसला पाप कस जाती पाप, हाँ मैं कर रहा हूं ना इसलिए ये पाप नहीं। पाप को अच्छा बताने के लिए अनेक सौ झूठ बोलेंगे, अनेक अनेक उसको कन्विंस करेंगे, मतलब पाप तो कर ही रहे हैं, वो पाप को पुण्य बनाने के लिए, धम्म बनाने के लिए और न जाने कितने कितने झूठ बोलेंगे, तो पाप ही हो रहा है ना, अकुशल में और अकुशल बन रहा है ना। इसलिए पाप कर रहे हैं तो समझो पाप कर रहे हैं, आज नहीं तो कल वो पाप से दूर होंगे। और पुण्य कर रहे हैं तो भी समझो हम पुण्य कर रहे हैं। पुण्य करने वाले व्यक्ति और पुण्य कर रहा हूं ऐसा समझने वाले व्यक्ति वो पुण्य करना कभी नहीं छोड़ेगा। आज दान दे रहे हैं, सभी जन मिलके संग दान कर रहे हैं, भले ही यहां निंदा करने वाले सौ लोग उत्पन्न हो, परंतु पांच लोग प्रशंसा करने वाले, पांच लोग साथ देने वाला मिला तो वो अगली बार भी जल्दी ही ऐसे कार्यक्रम करेगा। समझ में आया क्या? वो छोड़ेगा नहीं कितना भी निंदा आए, क्योंकि अच्छे करने में मार ज्यादा ही आता है। कभी घर से आएगा, कभी मित्र से आएगा, कभी बंधु से आएगा, कभी कहां से आएगा कहां से आएगा। अच्छे करने की जगह पे भी बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है। समझना ये मार आ रहा है, मैं पारमिता के मार्ग पे हूं। इसलिए पुण्य को समझो, पुण्य है और पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा ये मानो, और पुण्य करने से ही कल्याण हुआ है, बाकी चीजों को भी देखो और पुण्य करने में हमेशा आगे रहो। जितना पुण्य करेंगे उतना हमारा कल्याण है। ऐसे पुण्य कार्य
सिर्फ आज के समय में नहीं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में भी खूब खूब ऐसे पुण्य होता था। श्रावस्ती नगर में उपासक उपासिकाएं जमा होके एकत्र होके एक आपस में चंदा संकलन करके ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाले कितने हैं, कितने हैं। या अनाथ पिंडिक महाजन को महा उपासक, विशाखा उपासिका को महा उपासिका कहते ना, केवल बुद्ध विहार दान देने से वो लोग महा उपासक महा उपासिका नहीं बने, वो लोग महा उपासक इसलिए बने, बुद्ध विहार दान दिया अनाथ पिंडिक महाजन ने, वो तो पूर्णतः त्याग कर ही दिया। बुद्ध विहार दान देने के बाद ये मेरा मेरा करके पकड़ के नहीं रखा, और हर दिन बुद्ध विहार में सुबह के समय में, दोपहर के समय में, शाम के समय में जाते थे। सुबह गए तो नाश्ते, दोपहर को गए तो भोजन, शाम को गए तो चतुमधु, जो शाम को खाने वाले ऐसे घी जो मधु ऐसे मिक्स वाला है ना, ऐसे लेके जाते थे। और अपने घर में 500 पूजने भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ के लिए आसन बिछा के रखते थे। कहीं भी भिक्षा नहीं मिला तो अनाथ पिंडिक महाजन के घर में तो है ही। इतना ही नहीं, श्रावस्ती में जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम होता था ये अनाथ पिंडिक महाजन लीडर होते थे, उनके निर्देशन से सारे चीज चलते थे कि आप अगुआ बनिए, आप नायक बनिए, हम करेंगे। क्योंकि अनाथ पिंडिक महाजन बहुत दानी, बहुत त्यागी, कहीं किसी भी तरह से कमी हुआ तो अनाथ पिंडिक महाजन तो है ही। बस ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे, और विशाखा भी वैसे ही, इसलिए उन लोगों को महा उपासक महा उपासिका, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। एक समय श्रावस्ती नगर में ऐसे कार्यक्रम देख देख के उन लोगों को भी लगा अब हमें भी ऐसे अपने जगह पे अपने नगर में ऐसा संगदान कार्यक्रम लेना चाहिए। तो क्या किया, पहले उसने अपने परिवार के सारे लोगों को एकत्र किया, फिर अपने बंधु बांधव को एकत्र किया, फिर अपने नगर के लोगों को एकत्र किया, सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा करके चंदा संकलन किया, और जितना देने वाले सबका संकलन करके वहां बहुत बड़ा संगदान का कार्यक्रम किया। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, सप्ताह भर के लिए 7 दिन तक संगदान कार्यक्रम चला। और 7वें दिन में वहां तथागत बुद्ध प्रमुख पूजनीय भिक्षु संघ वहां संगदान में आए, भोजन दान अच्छे से दिए, अनेक तरह का ये चीवर सामान वस्तु जो जो चाहिए वो संगदान में दिए। और सारा होने के बाद अब दान अनुमोदन का समय आ गया, फिर तथागत बुद्ध के पास वो दान देने वाले उपासक सब तो नहीं बोल पाएंगे, तो उनमें से जो नेता है वो सामने आया और तथागत बुद्ध को वंदना करते हुए कहते हैं, भगवान हमने ये सप्ताह भर ये संगदान जो दिया, ये संगदान में किसी ने ज्यादा ही दान दिया, किसी ने कम दिया, किसी का श्रद्धा से क्षमता से ज्यादा दिया, किसी ने अपने श्रद्धा और क्षमता को देख के कम दिया, तो अनेक तरह से दान देने वाले उपासक उपासिकाएं इस संगदान में है, तो हम चाहते हैं इस दान पुण्य में सहभागी हर उपासक उपासिकाओं को महान पुण्य प्राप्त हो, ऐसे बुद्ध के सामने प्रार्थना करते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, साधु 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 उपासक उपासिकाएं, आप लोगों ने जिस तरह से श्रद्धा पूर्वक ये संगदान कार्यक्रम किया, जिस तरह से मेहनत परिश्रम करते हुए ये संगदान कार्यक्रम किया, ये अपने आप में महान कुशल कम्मा है। एक तो मेहनत से श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, दूसरा संग को दान दे रहे हैं, ये अपने आप में महान कुशल कार्य है। और उसमें भी ये ऐसे संगदान है जिसमें बुद्ध स्वयं उपस्थित है, इसलिए निश्चित रूप से यह महान संगदान है। जो जो संगदान में सहभागी हुए है सबको बरोबर महान पुण्य प्राप्ति होगा। तथागत बुद्ध उन लोगों को धम्म देशना देते हैं, संग को दान देना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है,
संघदान बोले तो उपसंपदा प्राप्त भिक्षु चार या चार से ज्यादा हो गया तो संघदान हो गया। तो ऐसे संघदान देना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। और स्वयं तथागत बुद्ध जो संघदान में सहभागी है वो तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा पुण्य कार्य हो गया, क्योंकि महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक प्रसंग में कहते हैं, वही मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में भी आता है कि दान कहाँ देना ज्यादा पुण्य है। पशु पंछियों को दान देता है उसका भी बहुत बड़ा पुण्य है, उनमें से सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी एक मनुष्य को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है, सैकड़ों मनुष्य को दान देने से भी एक अच्छे बनने के प्रयास कर रहे मनुष्य को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है, अच्छे बनने के प्रयास कर रहे सैकड़ों इंसान को दान देने से भी एक अच्छे शीलवान गुणवान व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है, और ऐसे सैकड़ों शीलवान गुणवान को दान देने से भी जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित श्रोतापति फल, सकितागामी फल, अनागामी फल, अर्हत मार्ग फल में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है। उससे भी ज्यादा प्रत्येक बुद्ध को दान देना है, और उससे भी ज्यादा सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य तो इतना उतना ही नहीं रहता, बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए सम्यक संबुद्ध को दान देना, सम्यक संबुद्ध सहित संघ को दान देना निश्चित रूप से उसका पुण्य बहुत ज्यादा है। यह अनाथ पिंड का महाजन जो जिंदगी भर पूजने भिक्षु संघ को इतना दान पुण्य करने वाले, ये इतना दान पुण्य में इतना मग्न हो गया, एक समय ऐसा भी आ गया कि अनाथ पिंड महाजन अब दरिद्र बनते हैं, अनाथ पिंडिक महाजन अब गरीब बनते हैं। जिस तरह पहले प्रणीत प्रणीत उत्तम उत्तम भोजन दान देते थे, अभी बहुत ही कमसल और रुखा सुखाई दान दे पा रहे। तो ऐसे समय में अनाथ पिंडिक महाजन को ये तथागत बुद्ध पूछते हैं, महाजन दान तो दे रहे ना? अनाथ पिंडिक महाजन कहते हैं, भगवान दान तो दे रहा हूं मगर संतुष्ट नहीं है। पहले प्रणीत से प्रणीत उत्तम उत्तम भोजन दान देते थे, मगर अभी हालत इतना खराब है कि एक चावल के भी टुकड़े टुकड़े जो कनिका रहते ना उसका मैं भोजन दान दे रहा हूँ, बहुत ही रुखा सुखाई दान दे पा रहा हूँ, इसलिए मन में शांति नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं, महाजन ऐसा क्यों कहते हो? आप जो दान दे रहे हैं पूजनीय भिक्षु संघ को ग्रहण कर रहे, आप जो दान दे रहे स्वयं तथागत बुद्ध को ग्रहण कर रहे, इसका पुण्य बहुत ज्यादा है, इसलिए संतुष्ट रहिए, ये पुण्य महान पुण्यदायी है। बाद में अनाथ पिंडिक महाजन को वो पुण्य के अनुभव से फिर से वो टांग जहां जहां गुम हो गया था फिर से वापस आ गया, फिर से श्रीमंत हो गया, फिर से वैसे ही अच्छे अच्छे प्रणीत प्रणीत भोजन दान करते करते वो आगे बढ़ा। मतलब दान देना, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना, और उसमें भी तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देना हमेशा महान पुण्यदायी है। संगे दिनम महफलं, तथागत बुद्ध बार 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 कहते हैं, संघ को दान देना महान फलदायी है, महान पुण्यदायी है। उपासिकाएं आज जो हम दान दे रहे ना ये भी संघ दान है, या दो महाथेरो तीन थेरो बंते जी है तो महान फलदायी हुआ कि नहीं? संगदान कार्यक्रम हो रहा है और संगदान में अस्त परिष्कार सहित चीवर दान दे रहे हैं, पूजनीय भिक्षु संघ को महान दान दे रहे, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। जो हम संगदान देते हैं केवल यहाँ जो पंते जी है उतने कोई दान नहीं देते, जब संगदान का गाथा कहते हैं उसमें जितने भी पहले भिक्षु बन के गए तथागत बुद्ध के अग्रश्रावक सारिपुत्र, मोटगल्यान,
और अशिटी महाश्रावक जितने भी अर्हत भिक्षु है सारे के सारे ये संघ में आ गया। वर्तमान समय में जितने भी भिक्षु संघ है सारे के सारे ये संघ में आ गया और भविष्य में आने वाले जितने भी भिक्षु संघ है ये संघ में आ गया। और एक व्यक्ति को दान देंगे तो जितना गुण है उतना ही हो गया, पर संघ को दान देने के बाद सारे संघ उसमें आते हैं। बुंद बुंद थोड़ा थोड़ा भी गुण हुआ तो महासागर जितना गुण धम्म वो संघ में आता है। इसलिए संघ का दान देना महान पुण्यदायी है। बुद्ध एक समय ऐसा भी कहते हैं भविष्य में ऐसा भी भिक्षु बनेंगे जब विनय खत्म होता जाएगा ऐसे भी भिक्षु बनेंगे कांसा वस्त्र का धागा गले में पहन के या कान में पहन के भी अपने आप को भिक्षु कहेगा, उसका परिवार रहेगा, उसका समाज रहेगा, परंतु पूजा के समय में वो भिक्षु बन के सामने आएगा। तो उस समय में भी ऐसे दुस्सील भिक्षुओं को संग निमित्त करके संग दान देते हैं तो उसका पुण्य भी महान पुण्यदायी रहेगा। संग दान के सामने मैं कभी भी व्यक्तिगत दान की प्रशंसा नहीं करता, ये बुद्ध कहते हैं स्वयं तथागत बुद्ध। इसलिए ये संग दान देना महान फलदायी है, इसलिए प्रसन्न हो जाइए। आज जो जो संग दान दे रहे हैं, जो जो संग दान कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं, महान कुशल कर्म कर रहे हैं, महाकुशल कर रहे हैं। संग दान देना ही महाकुशल है, अस्त परिष्कार दान देना ही महाकुशल है, ऐसे महाकुशल कर रहे हैं। और बुद्ध कहते हैं ऐसा पुण्य कर्म बार बार बारंबार करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, पुण्य का एक माहौल बनाना है। यहाँ 100 लोग हैं, 100 लोगों में 50 लोगों को पुण्य पसंद नहीं है, पुण्य करना नहीं चाहते, छोड़ दो 50, छोड़ दो 80 लोगों को पसंद नहीं है, छोड़ दो 80 नहीं 90 लोगों को पसंद नहीं है, छोड़ दो। जो पुण्य करना चाहते है 10 लोग भी जमा हो गया तो यहाँ कितना कितना पुण्य कार्य कर सकते हैं। इसलिए जो पुण्य करना चाहते हैं उन लोगों को साथ में रो, जो सकारात्मक है खुद भी पुण्य करे दूसरों को भी पुण्य कराए ऐसे चाहते हैं ऐसे लोगों का समूह बनाओ, माहौल बनाओ। जब हम पुण्य करेंगे दूसरे लोगों को पुण्य करने का माहौल बनेगा, जब दूसरे पुण्य करेंगे हमें भी पुण्य करने का माहौल अवसर मिलेगा। और समय समय पर सभी जन मिलके ऐसे संगदान कार्यक्रम किया तो कितना संगदान हम करते करते आगे बढ़ सकते हैं। हर 3 महीने में ऐसे संगदान कर सकते हैं और ज्यादा ही श्रद्धा परिपक्व हुआ तो हर महीने सभी जन मिलके इस तरह का संगदान कर सकते हैं। और आसान है, मिलके किया तो बहुत आसान है, क्योंकि हम ऐसे शहर में है जहां आसानी से पूजने भिक्षु संघ मिलते हैं। बाकी दूसरे कल हम पुणे जाके आए वहां पे बनते नहीं, हम एक गाड़ी में जितने बनते गए उतना ही दूर दूर से बुलाते हैं। कितना खर्चा है, कितना मेहनत है, कितना परिश्रम है। यहाँ तो 4-5 दिन पहले चलो ऐसा संगदान करेंगे, भंते जी मिलते हैं, आसानी से हो जाता है। इसलिए ऐसे बाबा साहब की पुण्य ही इतना अच्छा धम्म मिला है, जितना पुण्य करेंगे उतना ज्यादा हमें पुण्य मिलेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, पुण्यवान जीवन प्राप्त हुआ है, केवल और केवल मनुष्य ही पुण्य कर सकते हैं। मनुष्य छोड़ के कोई भी जीव जंतु कीट पतंग पशु पंछी पुण्य नहीं कर सकते, वो पुण्य पाप नहीं जानते, पाप से दूर नहीं हो सकते, पुण्य में आगे नहीं बढ़ सकते। हम इंसान है, हर पाप धम्म समझ के पाप से दूर हो सकते हैं, धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसा जीवन मिला तो खूब पुण्य करना चाहिए। छोड़ दो वो लोभ लालच, छोड़ दो वो द्वेष दुराभावना, छोड़ दो वो मोह मूर्खता, जितना हो सकारात्मक बन के पॉजिटिव बन के पुण्य करो। अगर खुद में पुण्य करने का दम नहीं है तो पुण्य करने के साथ रहो, भले ही हम
उनके जैसे ज्यादा ज्यादा दान नहीं दे पाएंगे, मगर दान देने वाले को देख देख के थोड़ा थोड़ा तो दान दे ही देंगे। भले ही उनके जैसा ज्यादा ज्यादा शील पालन न कर पाए, पर देख देख के थोड़ा थोड़ा शील तो पालन कर ही लेंगे। भले ही उनके जैसा ज्यादा ज्यादा ध्यान साधना न कर पाए, पर उनके साथ रह रह के थोड़ा बहुत ध्यान साधना तो कर ही लेंगे। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे करने की सोच रखो, हमेशा ये मान के चलो, ये विश्वास करके चलो, हम अच्छा करेंगे तो ही अच्छा होगा, बुरा करके अच्छा हो ऐसा होता ही नहीं, संभव ही नहीं। इसलिए हमेशा अच्छा चाहते हैं तो पुण्य ही करो, सुख शांति चाहते हैं तो पुण्य ही करो, पुण्य का माहौल बनाओ। जितना पुण्य का माहौल बनाएंगे उतना हम आसानी से पुण्य कर पाएंगे, और जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमारा पारमिता का घड़ा भरेंगे, और जितना पारमिता का घड़ा बना, जितना पारमिताओं के घड़ा भरने लगा, उतना जल्दी हम दुखमुक्त निर्वाण प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। उपासिकाएं इसी तरह का संगदान करते करते, इसी तरह का महान पुण्य संपादन करते करते, जल्दी से जल्दी पारमिताओं के संपूर्ण कदाएं भर पाए और दुख मुक्त निर्वाण की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। बोलिए साधु साधु साधु। अभी मस्कार इधर आइए, सभी लोग जैसा है वैसा ही रहिए, सामने वाले चीवर को हाथ लगाएंगे अष्ट परिष्कार को, और बाकी लोग एक दूसरे को हाथ लगाते जाइए। ऐसे ये चीवर हाथ में लीजिए, मोबाइल को साइलेंट रखिए। सभी जन ऐसा पकड़ के बैठे, नहीं नहीं ऐसे पकड़े, थोड़ा नीचे। अभी देखिए ये जो चीवर है इसमें त्रि चीवर है, तीन प्रकार के चीवर है, जो ऐसे पहनते हैं उत्तरासन है, जो नीचे पहनते हैं अंतर्वासक है, और दूसरा एक चीवर है डबल जिसे संगाति कहते हैं। तीन प्रकार के चीवर है, और एक भिक्षा पात्र है, और वहाँ ये काय बंधन है जो अंतर्वासक को बांधने के लिए, वो बाल निकालने के लिए खुर भी है, सुई धागा भी है, पानी छानने के लिए भी है। तो ये आठ प्रकार के वस्तु बुद्ध शासन में इसी को अर्थ परिकार कहते हैं, अस्त परिष्कार कहते हैं। और बुद्ध शासन में जो अर्थ महाकुशल आठ प्रकार के महाकुशल है उसमें से एक महाकुशल ये है। तो ये अस्त परिष्कार हम दान दे रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। तो ये दान देने के लिए सभी जन हाथ लगाइए, थोड़ा आगे आइए। जैसा मैं कहता हूँ आप लोग वैसा ही कहिए। हाँ साधु 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 इमं अर्थ परिकारं भिक्खु संघस्य दानं देमं पूजयेमं द्वितीयमपि तृतीयमपि इमं चीवरं सार्थ परिकारं भिक्खु संघस्य दानं देमं पूजयेमं इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पचयो होतु इदं मे पुण्यं सप्पे सत्ता सुखिना भवन्तु। साधु साधु साधु। तीन
बार वंदन कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। इसके साथ साथ पूजनीय भिक्षु संघ को भी चीवरदान दीजिए। समय सभी जन हाथ लगाइए और ये सभी के तरफ से है ऐसा सोच के साधु का देना सबको बरोबर पुण्य मिलेगा। साधु साधु साधु। हाँ देखिए तीन बार वर्णन कीजिए। हाँ बाकी बाकी लोग भी सामने सामने आइए। ये थाई बंदे जी को दान देंगे। हाँ थाई बंदे जी को दान दीजिए। हाँ इधर आइए बंदे जी। साधु साधु साधु। अनिरुद्ध थेरो बंदे जी को नहीं लगना चाहिए कि मेरा हाथ नहीं पहुंचा। इंग्लैंड क्या समोर आप लोग बैठिए बैठिए वहाँ कैमरे के सामने बैठिए के सामने आइए बैठिए। हाँ बोलिए साधु साधु साधु। हाँ तीन बार वंदन कीजिए। सभी जन हाथ लगाइए या पीछे वाले भी आइए। बोले साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बंदे जी को भी दान दीजिए। सभी जन साधु साधु बोलते जाइए। साधु 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 साधु। गिर गया।
साधु 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 दीजिए साधु 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 सभी जन हाथ जोड़िए। बहुत बड़ा पुण्य कार्य हो रहा है। प्रसन्नता से तीन बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। मुझे लगता है और ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता से जोर से तीन बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। अब ठीक है। तो फिर एक बार पूजनीय भिक्खु संघ आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देंगे। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए पूजने भिक्खु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी देवो विवाजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुयां किप्पमेव समेजतु सबे पुरेन्तु चित्तसंकल्पादन्दो पनरसो यथा आयु आरोग्य संपाति सक संपाति मेव स अतो निपान संपाति इमिनाते समेतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। उपासक उपासिकाएं अभी अंत में ये समता नगर की तरफ से एक धन्यवाद ज्ञापन ये मस्काई करेंगे। विशेषता याद कीजिए, ये समता नगर परिसर में 3 महीना जो वर्षावास धम्म कार्यक्रम किए उसके समापन कार्यक्रम आज धम्म दान संघ दान और धम्म देशना कार्यक्रम से संपन्न हो रहा है। अभी मस्काई ये थोड़ा सा ये कैसे क्या है और आगे भी क्या क्या करना है एक बार बोलेंगे। माँ करुणिक तथागत भगवान बुद्ध यन्ना विनम्र अभिवादन। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांना सुद्धा कोटी कोटी प्रणाम। आणि आज इथे आपल्या इथे उपस्थित असलेले महा थेरो थायलंडमधून वरून इथे आलेले आहेत
ते जवळजवळ 8 दिवसापासून आलेले आहेत आणि 2 दिवस आम्ही त्यांच्यासोबतच होतो. त्यांना अजिंठा वेरूळ सर्व आम्ही दाखवलं. माझा मुलगा सचिन आणि मी आम्ही बरोबर होतो. आणि हे आपलं सगळ्यांचं भाग्य आहे की ते आपल्याला लाभले. तसेच हर्षबोधी बंतीजी आहेत, हे सुद्धा फार मोठे बंतीजी आहेत आणि ते सुद्धा आज आपल्याला लाभले. मागे सुद्धा मी त्यांना निमंत्रित केलं होतं पण ते काही कारणास्तव येऊ शकले नाही. आणि अनिरुद्ध बंतीजी जे पलीकडे बसलेले आहेत ते सुद्धा आज माझ्याकडे आले, त्याच्यामुळे मला खूप आनंद झालेला आहे. अनिरुद्ध बंतीजी सतत इंदवंश बंतीजीच्या पाठीमागे सावलीसारखे असतात आणि त्यांचंही आज मला आपल्या सगळ्यांना लाभ झाला. आणि यानंतर इंदवंश बंतीजींनी जे आपल्याला म्हणजे वर्षवास सुरू झाल्यापासून आपल्याला आपल्या समतानगरमध्ये ढिवर आई, काळे आई, विमलता इंगळे यांच्याकडे 2 कार्यक्रम झाले, आपल्या बेबीताईकडे 2-3 परित्राण पाठ झाले, त्याच्यानंतर आणखी नरवडे आईकडे 2-1 कार्यक्रम झाला, ते सरळकर आईकडे सरळकर तेच ना बेबी त्यांचंही झालं, तर सगळ्यांच्या घरी कार्यक्रम झाला. आणि असं वाटतंय की खरंच आपण बुद्धाच्या काळातच आहोत की काय असा मला यावर्षी वाटायला लागले की आपण इतके पुण्यवान आहोत की एवढेच मला वाटत नाही कुठल्या वस्तीमध्ये एवढे कार्यक्रम झाले असतील. आणि तुमच्या सगळ्यांची प्रेरणा घेऊन नंदनवन कॉलनीमध्ये माझी भाची सुना आहे डॉक्टर कल्पना, तिने सुद्धा घेतला. त्याच्यानंतर माझ्या नाती आहेत, तिघी बहिणी पोलीस आहेत, त्यांनी सुद्धा N6 मध्ये घेतला. त्याच्यानंतर N8 मध्ये माझी आत्या बहीण आहे, तिने सुद्धा कार्यक्रम घेतला. आणि आणखी बऱ्याच ठिकाणी लोकांनी घेतलं असतं पण मलाही जास्त वेळ नव्हता आणि बंतेजींनाही खूप कार्यक्रम असतात त्याच्यामुळं जमलं नाही. परंतु बंतेजींना मी सांगू इच्छिते की या वस्तीमध्ये आम्ही 50 वर्षापासून कार्य करतो. आमचे मुलं छोटे छोटे होते, आता त्यांचे मुलं पण छोटे छोटे झालेत तेव्हापासून, आणि त्या सर्व पुण्याचं आज आम्हाला फळ प्राप्त झालंय असं मी मानते. आणि या आधी सुद्धा 12वी ऑनलाईन धम्म परिषद आपण इथे घेतलेली होती परंतु तुम्हाला सगळ्यांना सहभागी करता आल्याने खूप असं घाईत झाल्यामुळं, आणि त्यानंतर 2 तारखेला बंतेजीचा वाढदिवस होता त्यावेळेसुद्धा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यांनी पुष्प गुंफा महिला मंडळातर्फे आम्ही त्यांना एक चिवरदान केलं. त्यानंतर सुमनताई ह्या खूप आजारातून उठल्या, सुमनताई खोतकर त्यांना मी सांगितलं तुम्ही घरी बंतीजीला बोलू शकत नाही, परित्राण पाठ घेऊ शकत नाही, तर तुम्ही तिथे बंतीजीला दान करा. त्यांनी स्वतः पावसामध्ये आल्या आणि बंतीजीला चिवरदान केलं. तर हे तुमची सुद्धा पुण्यपारमिता आहे, कारण तुमच्या पुण्यपारमिता होत्या म्हणून तुम्ही माझ्या शब्दाला मान दिला आणि आपण सगळे हे कार्य घडून आणलं. तर बंतीजीला तुमच्या सगळ्यातर्फे शब्द देते मी की पुढच्या वर्षी सुद्धा आम्ही असंच कार्य करू. आणि एवढंच नाही तर प्रत्येक महिन्याला पौर्णिमा असो किंवा कुठले असो तर आम्ही आपल्याला सतत निमंत्रित करू. आणि आतापर्यंत जशी तुम्ही आम्हाला म्हणजे मार्गदर्शन केलं, आमच्या पुण्य आमच्या पदरात पाडून दिलं, असं तुमचे पण आशीर्वाद आमच्यावर असावेत. आणि थायलंडवरून बंतीजी आले आणि त्यांची सेवा करायची संधी आम्हाला मिळाली. 2 दिवस सतत मी त्यांच्यासोबत अजिंठा लेणी फिरले, काल वेरूळ लेणी फिरले, आज सकाळपासून मी उभीच आहे पण मला जराही थकवा आला नाही. तर याचं कारण म्हणजे हे पुण्यही आहे, हे पुण्यपारमिता आहे. तर माझ्या सगळ्या मैत्रिणींचे माझी ही भावजय आहे ती नंद कुठली कॉलनी
वैशाली नगर मधून मागे पण आली होती, आताही कार्यक्रमाला आली आणि खूप लोकांना बोलवले असतं पण जागेची अडचण आहे, तरी सुद्धा तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या शब्दाला मान देऊन कार्य करता तर तुमची पण मी खूप खूप आभारी आहे. आणि भंतीजींनी सतत माझ्या घरी यावं आणि सतत माझ्या माझे त्यांची सेवा माझ्याकडून घडावी एवढीच फक्त माझी आज इच्छा आहे. आणि पुन्हा भंतीजीचं मी पुन्हा खूप खूप आभार मानते आणि माझे शब्द संपवते. धन्यवाद. उपासिका बसके आई, एक ही ने बोले ऐसा न समझ लिए कि वो अकेली का है, ये सब का है. हाँ, सभी की तरफ से ये सभी को ये कृतज्ञता व्यक्त है. इसी तरह का पुण्य कार्य ऐसा भी मत कही आई कि हम पुर्जा वर्षा पुनः करो, नहीं, हर महीने करना है. हाँ, और हर समय करते रहना है. हाँ, एक एक साल, एक साल में 365 दिन आता है, एक दिन में 24 घंटा है, हर घंटे में 7 मिनट है, हर मिनट में 7 सेकंड है. इतना समय हमें मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए पुण्य करते जाना है, करते जाना है. साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ. तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ. संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ.